हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग एकदम अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 ब्रेकफास्ट रेसिपीज शेयर कर रही हूँ फॉर 6 to 12 months old बेबी। ये सारी ही रेसिपीज़ बहुत ही न्यूट्रिशियस है, इजी टू मेक है, तो आप अपने प्यारे प्यारे बेबीज़ के लिए इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरीके की मैंने और भी बेबी फूड रिलेटेड रेसिपीज़ आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियोज़ में शेयर करी हुई हैं। इनकेस आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपीज़ के साथ। तो आज की फर्स्ट रेसिपी है स्वीट पटेटो खीर। इसके लिए मैंने स्वीट पटेटो ऑलरेडी बॉईल करके रखा हुआ है। इसका छोटा सा पीस मैं ले लूँगी। एक पैन में मैंने घी ऐड किया है और घी में मैं स्वीट पटेटो अच्छे से मैश करके भूनूंगी फॉर गुड 3 to 5 मिनट्स, जिससे कि इसका रॉ फ्लेवर सारा निकल जाएगा। और मैं अपनी बेबी रेसिपीज़ के लिए होममेड घी यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज घी बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, उनकी ब्रेन बोन डेवलपमेंट में हेल्प करता है और एज अ टेस्ट एनहांसर भी बहुत ही अच्छा है घी ऐड करना। तो थोड़े से घी में अच्छे से मैंने अपने स्वीट पोटैटो को भून लिया है। 3 से 5 मिनट में भुन जाएगा। उसके बाद मैंने करीबन ½ कप इसके अंदर पानी ऐड किया है। बस अब मैं चलाते चलाते इसको अच्छे से कुक कर लूँगी और इसकी कंसिस्टेंसी ना थोड़ी सी जब तक थिक हो जाएगी तब तक मैं इसे कुक करती रहूँगी। उसके बाद आप चाहो तो इसके अंदर थोड़ा सा फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को पतला या गाढ़ा भी आप एज इट इज सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला मिल्क ऐड किया है, करीबन 1 ounce। गैस को मैंने ऑफ कर दिया था पहले ही फॉर्मूला मिल्क ऐड करने से। बस ये खीर रेडी है। स्वीट पोटैटो इन इटसेल्फ थोड़ा सा स्वीट होता है, बच्चों को ये खाना बहुत पसंद आता है और उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। एज इट इज रिच इन फाइबर, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा एंड इट हेल्प्स इन ब्रेन डेवलपमेंट ऑल्सो एंड इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। तो ये खीर आप ज़रूर अपने बेबीज़ के लिए ट्राई करिएगा ब्रेकफास्ट में, और इनफैक्ट आप लंच में भी ट्राई कर सकते हैं। सारी रेसिपीज़ रिटन फॉर्म में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, तो आप डिटेल्ड रेसिपीज़ रीड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए अब बनाते हैं आज की सेकंड रेसिपी, दैट इज़ ओट्स एप्पल पॉरिज। उसके लिए मैंने 1/3 एप्पल लिया है। एप्पल को मैंने अच्छे से धो के पील कर लिया है और अब मैं उसके बहुत ही छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी, जिससे कि एप्पल को कुक करना इजी हो जाए। और उसके बाद हम पैन में लेंगे थोड़ा सा घी। उसके अंदर मैं करीबन 1 टीस्पून ओट्स पाउडर ऐड करूंगी। ये ओट्स पाउडर मैंने घर में ही बना रखा है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इन केस आपको घर में बनाना है तो। और अगर आप चाहो तो बाजार में भी ओट्स सीरियल जो आता है आप वो यूज़ कर सकते हो। तो बस मैंने घी में थोड़ी देर उसको भून लिया है। उसके बाद एप्पल भी ऐड कर दिया है और अब मैं इसके अंदर करीबन 1 कप पानी ऐड करूँगी और बस थोड़ा सा मैं चला दूँगी, जिससे कि ओट्स का लंप ना बने। उसके बाद हम इसे कवर करके करीबन 7 to 10 मिनट्स कुक करेंगे, तो पॉरेज एकदम रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए पूरा रेडी हो गया है। अगर आपका बेबी 10, 11, 12 मंथ्स का है तो आप इसको हाथ से ही अच्छे से फोक से मैश करके उसको थोड़े से चंकी फॉर्म में भी खिला सकते हो। और अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप इसको ब्लेंडर में डाल के इसकी स्मूथ प्योरे बना के बच्चों को खिला सकते हो। तो मैंने तो अच्छे से इसको ब्लेंड करके स्मूथ प्योरे कर लिया है। और इसको और थोड़ा सा अगर आपको क्रीमी टेक्स्चर देना है तो बेबी फॉर्मूला मिल्क आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने बस फॉर्मूला पाउडर ऐड कर दिया है। इससे बहुत ही क्रीमी हो जाता है और ये थोड़ा और फिलिंग और रिच हो जाता है। तो बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जिससे कि पाउडर का कोई लंप ना रहे, और फिर मैं अपनी बेबी को इसे फीड करूँगी। ओट्स एंड एप्पल के साथ डे को स्टार्ट करना एज अ ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छा रहता है। बच्चे का टमी अच्छे से फिल हो जाएगा और फिर बच्चा काफ़ी देर तक क्रैंकी नहीं होगा और वो बहुत ही खुश होकर खेलता रहेगा। आप ट्राई ज़रूर करिएगा ये सारी रेसिपीज़, और ट्राई करते हो तो अपने फीडबैक्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थर्ड ब्रेकफास्ट रेसिपी है दलिया, और दलिया बनाने के लिए मैं ये क्रैक्ड व्हीट का यूज़ करूँगी। ये फाइन वाला है जिसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, एक बड़े से बैच में इसको ड्राई रोस्ट करके अपनी पैंट्री में रख लेती हूँ, जिससे कि कभी भी मुझे दलिया बनाना है या इसी क्रैक्ड व्हीट की खिचड़ी बनानी है तो मेरे पास ये रोस्टेड रहे। तो अब बेबी के लिए दलिया बनाते हैं। मॉर्निंग में मैंने एक पैन में लिया है करीबन 1 कप पानी। पानी जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसके अंदर मैं बहुत ही फाइन 1 डेट्स को चॉप करके ऐड करूंगी। तो गर्म पानी में डेट्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। और कोई भी एलर्जेंस स्टार्ट करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा, कोई भी नट्स या एग स्टार्ट करने से पहले। तो मैंने नट्स जब स्टार्ट किए हैं अपनी बेबी को जब वो 8 मंथ्स प्लस हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब रोस्टेड दलिया भी ऐड कर दिया है और इसको 5 से 7 मिनट कुक किया। दलिया अच्छे से बन चुका है, मैं अच्छे से इसको मैश कर लूँगी। गैस ऑफ करने के बाद मैंने इसके अंदर करीबन 1 आउंस फॉर्मूला मिल्क ऐड किया है, इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। बस दलिया रेडी है, इसको हम डिश आउट करेंगे एक बोल में। और ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऊपर से थोड़ा सा घी ड्रिजल कर लो, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और घी ओवरऑल बच्चों की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो बस ये दलिया रेडी है, हम अपने बेबी को सुबह सुबह ये सर्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं रेसिपी नंबर 4 से, जो कि है सूजी की खीर। तो सूजी की खीर बनाने के लिए मैंने पैन में लिया है थोड़ा सा घी, उसके अंदर करीबन 1 चम्मच मैंने सूजी ऐड की है। ये फाइन वाली सूजी है। 2 से 3 मिनट के लिए सूजी को अच्छे से मैं रोस्ट कर लूँगी, लाइट ब्राउन हो जाएगी सूजी। उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो करीबन 1 कप मैंने पानी ऐड किया है। क्योंकि सूजी काफ़ी ड्राई होती है इसलिए मैंने इसको घी में अच्छे से भून लिया है और पानी भी अच्छे से ऐड किया है, जिससे कि इसकी ड्राइनेस सारी निकल जाए। अब ये कुक हो जाएगी, 5 से 7 मिनट ही लगते हैं सूजी को कुक हो गई है। देखिए ये पानी के अंदर कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा गाढ़ा या कम कर सकते हैं। मैंने बोल में लिया है करीबन 1/3 बनाना। बनाना काफ़ी लोग पूछते हैं कि विंटर्स में दे सकते हैं कि नहीं, तो येस, मैं तो डे टाइम में बनाना दे देती हूँ। मेरे बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कफ एंड कोल्ड की। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन चूज़ सम अदर फ्रूट ऑल्सो। तो यहाँ पे मैंने बनाना को अच्छे से मैश कर लिया है, उसके अंदर मैंने सूजी डाल दी है जो अभी हमने कुक करके रखी थी। बस अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बनाना से एक जो एक्स्ट्रा स्वीटनेस चाहिए होती है वो भी मिल जाएगी एंड एक क्विक स्टार्ट मिल जाएगा बेबी की बॉडी को। काफ़ी फिलिंग हो जाता है बनाना और सूजी का कॉम्बिनेशन। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है प्रिया, मेरे 2 क्यूट बेटे हैं, एक 5 साल का है और एक अभी 8 मंथ्स का है। आपको मेरे चैनल पे लाइफस्टाइल वीडियोस, बेबी रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। आई एम श्योर आपको मेरे सारे वीडियोस पसंद आएंगे, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बनाते हैं रेसिपी नंबर 5, जो कि है एग बनाना पैनकेक। तो यहाँ पे मैंने 1/3 बनाना लिया है और 1 एग लिया है। पैनकेक सभी बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। दिस रेसिपी इज़ लाइक्ड बाय माय एल्डर वन ऑल्सो, सो मैं दोनों के लिए ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाना को अच्छे से मैश कर लूँगी एक फोक की हेल्प से। उसके बाद इसके अंदर मैं 1 एग डाल दूँगी। बस अच्छे से हम इसको फेंट लेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा। उसके बाद एक पैन में हम घी ऐड करेंगे, थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे और पूरा हम पैनकेक की तरह इसको फैला देंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। क्विक मॉर्निंग आवर में जब आपको कोई रेसिपी चाहिए तो एग बनाना पैनकेक आप ट्राई करिएगा, बहुत ही पसंद आएगा आपके बच्चों को। ये पलटते वक्त मेरे से थोड़ा सा टूट गया था, बट दैट्स ओके, हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। और सेकने के बाद बस मैं इसको निकाल के इसके छोटे छोटे पीसेस करके अपने बेबीज़ को सर्व करूँगी। अगर आप कोई फिंगर फूड ट्राई करना चाहते हो अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे 8-9 मंथ्स के हैं जिनको आपको अब खुद से खिलाना सिखाना है, बेबी लेड वीनिंग करनी है, तो दिस इज़ अ परफेक्ट रेसिपी। जब आप उनके हाई चेयर पे इसके थोड़े से पीसेस रख सकते हो, बच्चा अपने आप से उठा के उसे ट्राई करेगा। तो ये देखिए, ये हमारा एग बनाना पैनकेक है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप ज़रूर अपने बेबीज़ के लिए ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने बेबी को थोड़ी देर के लिए सर्व किया था, उसने थोड़े से फैलाए, थोड़ा सा कुछ खाया। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा मैं उसको खुद से खिला देती हूँ। ऑफकोर्स ये जो पैनकेक बना था काफ़ी बड़ा था, तो ये मेरे एल्डर वन ने भी इंजॉय किया। तो अगर आपके भी बड़े बच्चे भी हैं तो ये डेफिनेटली उनको ये रेसिपी पसंद आएगी, आप ट्राई करिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने सारे न्यू मॉमी फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए सारे क्विक अपडेट्स के लिए। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे DM पे बात करना चाहते हैं, तो भी इंस्टाग्राम ID आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं आपसे मुलाकात करती हूँ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत सारा खुश रहो, मुस्कुराते रहो एंड हैप्पी पेरेंटिंग। बाय बाय, टेक केयर।